आप अपनी कमाई के चक्कर में, अपना टैक्स कमाने के चक्कर सरकार को कह रहे हैं भाई नए साल से पहले पहले परीक्षा ना ले केजरीवाल सरकार, और ये तो बड़ा भयंकर परिणाम भुगतना पड़ेगा। कहना चाहेंगे 28 तारीख को क्या होने वाला भारत माता की जय। झूठा है भाई झूठा है। ड्राइवरों की मजबूरी है अब हड़ताल जरूरी है। ड्राइवरों की मजबूरी है अब हड़ताल जरूरी है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त आशु, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्स बाई जेड सब कुछ। तो दोस्तों आज मैं आया हूं बाल भवन पे, ऑटो स्टैंड पे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली के अंदर 40 से 50 वर्ष जो पहले एक संगठन बना था जो भारतीय मजदूर संघ है, दोस्तों ये दिल्ली के ड्राइवरों के लिए 40 साल से ऊपर हो चुके हैं ये संघर्ष करता हुआ आ रहा है, और उनको जो भी समस्याएं होती हैं उनका समाधान निकाल के देता है। चाहे सड़कों पे प्रदर्शन करना पड़े, चाहे हड़ताल करानी पड़े, कुछ भी कराना पड़े। तो ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी हमारे साथ में आज मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे, और तमाम ऑटो रिक्शा चालक हमारे साथ में मौजूद हैं उनसे भी जानेंगे कि जो दिल्ली सरकार है वो दिल्ली के ड्राइवरों को कितने बार धोखा देगी, और वहीं केंद्र सरकार है ये किराया वो जो CNG है उसका रेट कब रोकेगी, कहां तक लेके जाएगी। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगी, वीडियो पूरा एंड तक देखना दोस्तों। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा राजेंद्र सोनी जी से, और उनसे जानना चाहूँगा जो दिल्ली सरकार है करीब इलेक्शन से पहले जो दिल्ली सरकार ने वादा किया था कि हमने ऑटो टैक्सी का जो किराया है वो बढ़ा दिया है, जो कि आज तक लागू नहीं हुआ, ये दिल्ली सरकार ये इस प्रकार के झूठे वादे क्यों ड्राइवरों के साथ में कर रही है? देखो एक चीज़ हम क्लियर कर दें आपको, आपके चैनल को, ये सरकार जो है अब इनको ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस समय ये 49 दिन की सरकार थी उस समय इनको ज़रूरत थी, इन्होंने बहुत सपोर्ट करी। आज यही हो रहा है, पहली बार ही हो रहा है पूरे भारतवर्ष के अंदर, अगर कोई क्या नाम है परिवहन मंत्री या चीफ मिनिस्टर अखबारों के अंदर घोषणा करता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर घोषणा करता है भाई इनके किराए की बढ़ोतरी कर दी है, वो किराए बढ़ते नहीं हैं, वो किराए बढ़ते ही नहीं है। इसको चाहिए था सरकार को, क्या नाम है केजरीवाल सरकार को, अधिसूचना जारी करनी चाहिए थी। जब इन्होंने प्रिंट मीडिया के अंदर दे दिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर दे दिया, तो अधिसूचना क्यों नहीं जारी करी? और झूठे एक नंबर के ये इनके लोग, और ये कहते हैं क्या नाम है LG साहब को फाइल भेज दी है। अरे डेट तो बता दो, कौन सी तारीख को तुमने LG साहब को फाइल भेजी है, कौन सा क्या नाम है डायरी नंबर बताओ कि हम खामखाई LG साहब को बदनाम करते हो तुम। तुमने अधिसूचना जारी नहीं और LG के ऊपर आरोप लगा देते हो, झूठे नंबर की सरकार है ये, ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों के हक में नहीं है। और मैं तो यही कहूँगा केंद्र सरकार की भी गलत नीतियाँ, जो बार बार ये CNG की कीमतें बढ़ रही हैं, आखिर ये इनको ले जाएंगे कहाँ? ये दोनों सरकारें मिलके क्या नाम है इनका शोषण कर रही हैं, और सबसे ज़्यादा तो केजरीवाल एक नंबर का झूठा, इसकी सरकार झूठों की, ये कहता है जी मैंने ये कर दिया वो कर दिया। मैं कहता हूँ दावे के साथ 50 साल हो गए मेरे को संगठन चलाते हुए, ये बताए इनके लिए क्या काम करा, कोई काम नहीं करा इन्होंने। जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है कि भारतीय जो मजदूर संघ है वो 28 तारीख को बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करने जा रही है, इसीलिए जो अभी जो दिल्ली के ड्राइवर परेशान है उनका किराया नहीं बढ़ाया जा रहा और CNG का रेट जो बहुत ज़्यादा हाई हो गया, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे 28 तारीख को क्या होने वाला है? देखो 28 तारीख को हम एक चेतावनी धरना प्रदर्शन करेंगे दिल्ली सचिवालय में, और केजरीवाल सरकार को कह रहे हैं भाई नए साल से पहले पहले दो डिसीजन ले ले जा, तो भाई 35 रुपये CNG दे दें इसको, इनको ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों को, जा फिर इनके किराए लागू करो, किराए बढ़ाओ, दोनों में से एक काम करो ना, आप तो दोनों में से एक भी काम नहीं कर रहे। और देखो बम्बई के अंदर, पूना के अंदर अगर कोई किराए बढ़े हैं तो पूना के अंदर 1 किलोमीटर 25 रुपये का है वहाँ पे, और 17 किलोमीटर पूना के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र के अंदर बम्बई के अंदर किराए बढ़ाए एक ऑटो चलाने वाला जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन गया, जब CNG की कीमतें बढ़ी अगलों ने वहाँ किराए बढ़ा दिए। भैया आपको क्या दिक्कत है, कोई आप अपनी जेब से दे रहे हो, आप किराया बढ़ाओ। तो दोस्तों जैसा कि आपको मैं बता दूं, जो दिल्ली में लोग आते हैं महाराष्ट्र से बम्बई से, वो कहते हैं कि वहाँ के जो ऑटो ड्राइवर हैं बहुत शरीफ है, अच्छे इंसान है, तो वाकई में वो अच्छे इंसान है, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात वहाँ पे ये है वहाँ का जो ऑटो का किराया है पर किलोमीटर 70 रुपये मिलता है, और डाउन जो होता है हमारा जैसे 25 रुपये में 1 किलोमीटर, और उसके बाद 1 किलोमीटर के 17 रुपये मिलते हैं, इसलिए वो खुश हैं। हमारे साथ में मौजूद है जितेंद्र उपाध्याय जी, इनसे भी हम जानेंगे जो दिल्ली सरकार है ये वादे करती है कि हमने ऑटो का किराया टैक्सी का किराया बढ़ा दिया है जो कि अभी तक लागू नहीं किया, क्या इस प्रकार से ड्राइवर भाइयों को गुमराह करके ये आगे सीढ़ी चढ़ना चाहती है, क्या ये इस प्रकार से कामयाब हो पाएंगे? मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार जो है इनके ऊपर कोई आता है, कोई तकलीफ होती है, कोई इनके ऊपर कुछ भी आता है तो ये प्रदर्शन करते हैं, धरना करते हैं। ऑटो वालों का किराया इन्होंने झूठा आश्वासन दिया
कि हम किराया बढ़ा दिए हैं, लेकिन अभी तक बढ़ा नहीं है, और कहते हैं कि एलजी ने फाइल रोक दिया है। ये सरासर गलत है। ये आज तक दिल्ली में जितना काम कर रहे हैं हर चीज़ में, और सब काम कैसे हो रहा है? ऑटो किराए के लिए एलजी क्यों रोकेंगे? गरीबों का वो क्यों नहीं फाइल रोकेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठा है। केजरीवाल जी ने कहा था जब हम ऑटो अपने सरकार बनाएंगे, ऑटो वालों को हर साल में महंगाई हिसाब से किराया बढ़ाएंगे, उन्होंने उस पर विफल रहे। और सीएनजी के दाम जो इतने बड़े हैं, इन्होंने बसों में सीएनजी सब्सिडी दे रहे हैं, हर चीज़ में सब्सिडी दे रहे हैं, हमारे ऑटो में दें, हम जनता के ऊपर बोझ नहीं डालना चाहते, हमें किराया नहीं चाहिए, हमें सब्सिडी दे दें, हम खुश हैं इतने में ही। लेकिन अगर इन्होंने किराया बढ़ा दिया है तो इसको क्लियर करें, इसका नोटिफिकेशन जारी करें, ऐसे चालकों को गुमराह ना करें, नहीं तो हम ऑटो चालक इनके खिलाफ़ पहले एक चेतावनी देंगे, चेतावनी से भी नहीं माने तो हम हड़ताल पे भी जा सकते हैं। तो दोस्तों आपने सुना जितेंद्र उपाध्याय जी को, इनको कहना साफ कहना है कि अगर आपने कोई एलजी साहब को फाइल भेजी है तो उसका कोई नंबर जारी करें, जिससे कि हमें पता लगे कि हाँ आपने एलजी साहब को जो है फाइल भेजी है। अब मैं राजेंद्र सोनी जी के पास आ गया हूँ, ये कुछ कहना चाहते हैं? देखो मैं एक ही बात कहता हूँ, इनकी परीक्षा ना ले केजरीवाल सरकार, और ये तो बड़ा भयंकर परिणाम भुगतना पड़ेगा। हम सरकार बनाना जानते हैं, तेरे को हमने मनवाया है दिल्ली के ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों ने, अगर तू हमारे शोषण करेगा हमारे लोगों को, तेरी सरकार को आने वाले टाइमों में वोटों में तब्दील कर देंगे। ये खुलेआम मैं कह रहा हूँ, इनकी परीक्षा ना ले, ये गरीब तबके के लोग हैं, तू इनके किराए बढ़ाए जा, इनकी सीएनजी के अंदर पैसे कम करके दे, सब्सिडी दे, तू शराब की बोतलें दो भाई, क्या नाम है, केजरीवाल सरकार एक कप पर एक पियो है, अनेक प्रकार की योजना लागू कर देता है, जब इनकी बारी आती है तो ये ड्रामेबाजी करते हैं, एलजी फैल नहीं करता सैन, अरे भैया एलजी साहब को फैल तो भेजो। तो दोस्तों जैसा कि दिल्ली सरकार जो केजरीवाल जी हैं तमाम राज्यों में जाके कहते हैं कि दिल्ली के जो ऑटो चालक भाई हैं वो हमारे भाई हैं, हम उनका दुख दर्द समझते हैं, लेकिन वही दिल्ली के ऑटो चालक भाई इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है। तो दिल्ली के जो ड्राइवर का सबसे बड़ा भाई अरविंद केजरीवाल है वो कहाँ है, वो झूठे वादे क्यों कर रहा है? गुजरात की जनता और हिमाचल के अंदर ट्रांसपोर्टरों ने इसको बाहर भगाया वहाँ से, क्योंकि वो समझ गया इसकी हरकतें, ये फ्री में आने वाली नहीं थी वो दुनिया, गुजरात के लोग या क्या नाम हिमाचल के लोग, इसने सोचा था लिख लो जी मेरी सरकार गुजरात के अंदर बन रही है, एबीपी न्यूज चैनल पे बोलता था मेरी सरकार हिमाचल में आ रही है। मैं तो गुजरात की जनता को और हिमाचल की जनता को धन्यवाद देता हूँ, आप ऐसे झूठे आदमी को गुजरात नौटंकी नंबर वन का झूठा, और आपने गुजरात से और हिमाचल की जनता से इसको रास्ता बाहर निकाल दिया। तो शुक्रिया बहुत बहुत राजेंद्र सोनी जी। मैं और भी ऑटो ड्राइवर भाई यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे जानना चाहूँगा, जैसे कि हमारे पीछे एक भाई खड़े हैं, ये बताइए जैसे कि अरविंद केजरीवाल बार बार कहते हैं कि ऑटो चालक तो हमारे भाई हैं, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है, उन्होंने 70% से ज़्यादा हमें मत दिया, जिसकी बदौलत आज वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, पंजाब में भी उनकी सरकार बन गई है, अन्य राज्यों में उनके विधायक बन चुके हैं। तो दिल्ली सरकार जो इस समय ड्राइवरों के साथ में ये कर रही है ना, किराया बढ़ा रही है, जो गैस इतनी महंगाई होती जा रही है केंद्र सरकार की वजह से, लेकिन दिल्ली सरकार ने जो झूठा वादा कर दिया ड्राइवरों के साथ में उसको सफल क्यों नहीं बना रही है, किराया क्यों नहीं बढ़ा रही है? देखो हम केजरीवाल साहब से यही शासन यही कहना चाहेंगे, या तो आप सीएनजी के पैसे कम करो या फिर किराया बढ़ाओ, और पिछली बार जो आपने वादे किए आज तक कोई भी पूरा नहीं किया आपने। नहीं, केजरीवाल सरकार कहती है कि दिल्ली का ऑटो चालक हमारे भाई हैं, क्या ये भाई बंधु वाला जो काम कर रही है दिल्ली सरकार कर रही है? नहीं, बिल्कुल गलत, झूठ बोला जा रहा है बिल्कुल। क्या आप सभी भाई केजरीवाल की इन सब चीजों की जो इनकी नीति है इससे खुश हैं क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं खुश हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं यहाँ पे तमाम ऑटो चालक साथी जो है मौजूद हैं, और दिल्ली के जो केजरीवाल जी हैं बार बार इस प्रकार ऑटो ड्राइवर भाइयों को जो है धोखा देते हैं, बार बार झूठे झूठे वादे करते हैं, इससे ये काफ़ी ज़्यादा नाराज हैं। और भारतीय मजदूर संघ के जो राज्य प्रदेश मंत्री हैं जो हमारे राजेंद्र सोनी जी, उन्होंने ये चेतावनी भी दे दिया कि 28 तारीख को धरना प्रदर्शन होगा, अगर दिल्ली सरकार नहीं चेती तो आने वाले समय में हो सकता है कि बहुत बड़ी हड़ताल हो। तो हमारे साथ में जितेंद्र उपाध्याय जी हैं मौजूद हैं, तो हम जानना चाहेंगे जितेंद्र उपाध्याय जी आप ये बताइए, दिल्ली के अंदर तमाम यूनियन है, बहुत सारी नई नई यूनियन खुल गई हैं, लेकिन कोई भी ड्राइवर भाइयों के मुद्दे को लेकर आगे नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहे तो सिर्फ राजेंद्र सोनी जी जो 40-50 साल से ये काम कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं और आगे भी करने की इन्होंने कसम खा रखी है और आगे भी न्याय दिलाएंगे। तो और जो तमाम यूनियन है ये आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, इस प्रकार की क्यों चुपचाप से बैठी हुई हैं? मैं देखो जी, सब यूनियन का अपना अलग 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 काम है, सबका अलग अलग सोचने का हिसाब है, तो मैं ये चाहता हूँ राजेंद्र सोनी जी के समर्थन में सब लोग सभी यूनियन आए और ऑटो वालों का भला करें। मैं तो ये कहता हूँ ये जब आगे आते हैं तो इनके साथ सब लोग आ जाते हैं, एक मंच पर आ जाएं, ऑटो का भला करें। और मैं ये कहता हूँ केजरीवाल जी, जब 49 दिन की सरकार थी इन्होंने 50 रुपये सीएनजी हो गई थी और इन्होंने तुरंत 15 रुपये कम कर दिया था, तो आज क्यों नहीं कर रहे हैं? आज इनको क्या समस्या आ रही है?
आज आज हम लोगों का शोषण किया उन्होंने, यूज एंड थ्रो वाली बात है, इन्होंने इस्तेमाल किया और अपना, अब उनको ऑटो वालों की जरूरत है नहीं, जब ऑटो वालों को नहीं जरूरत है तो ऑटो वाले उनको सिखा भी देंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, तमाम जो दिल्ली की यूनियन अभी चुपचाप बैठी हुई हैं, लेकिन राजेंद्र सोनी जी और किशन वर्मा जी वो इस समय चालकों के बिल्कुल साथ में, हमारे साथ में दिल्ली के एक नागरिक मौजूद है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे जो दिल्ली की सरकार है वो जैसे वादे करती है, जो हमने महिलाओं को फ्री कर दिया, हमने बिजली फ्री कर दी, हमने पानी फ्री कर दिया, या फिर हमने ऑटो टैक्सी चालकों का किराया बढ़ा दिया, ये सब जो वादे हैं ये क्या बिल्कुल सफलतापूर्वक आप देखें तो ज़मीन पर ये कामयाब होते हुए दिख रहे हैं? देखो ज़मीन पे तो हर तरीके से महंगाई की ओर बढ़ रहे हैं, गैस का रेट हो, पेट्रोल का, डीजल का, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो महंगाई रोक रही हो। आज हर आदमी का बजट गड़बड़ा चुका है, कमा के 500 हज़ार 800 लेके जाता है, तो हालत ये होती है कि वो सारे के सारे हथकथ ख़त्म हो जाते हैं, उसके लिए सेविंग करने के लिए सब ख़त्म है, अपनी जद्दोजहद में लगा पड़ा पेट भरने के लिए, अपने बच्चे पालने के लिए। तो तमाम सरकार को, जब अभी भाई ने कहा 15 रुपये केजरीवाल, उस सेंटर गवर्नमेंट ने सरकार बनने के बाद में 15 में तमाम हिंदुस्तान के सीएनजी के रेट कम हुए थे। अब जिस तरीके से दिल्ली सरकार को रेट कम करने चाहिए, सेंटर गवर्नमेंट जिस तरीके 15 पैसे कम किए थे सीएनजी के, वो पैसे कम करने चाहिए सरकार को, सेंटर गवर्नमेंट को भी, मोदी जी को भी ये देखना चाहिए किस तरीके से हमारे यहाँ 80 रुपये है, वहाँ 84 रुपये, कहीं 90 रुपये है। आप सब जगह सीएनजी पे जिस तरीके से दुनिया के अंदर रेट कम हो रहे हैं, वो रेट हमें सरकार में, तो ये भी आ रहा है कि जो बाहर से पेट्रोलियम पदार्थ आते हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा रेट डाउन हो चुका है, फिर भी लेकिन दिल्ली के अंदर आप देखेंगे पेट्रोलियम पदार्थ काफ़ी ज़्यादा, जैसे चाहे सीएनजी हो, पेट्रोल हो, डीजल, उसके रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, तमाम सरकार को, कोई भी हो, सेंटर गवर्नमेंट को अपना टैक्स और दिल्ली सरकार को अपना वैट कम करना चाहिए, जब ही गरीब आदमी को राहत मिलेगी। कोई किराया बढ़ाने के लिए कर्मचारी कोई नहीं कहेगा, ऑटो वाला, टैक्सी वाला, कोर गाड़ी वाला, किसी को दिक्कत नहीं होगी। आप जो उसका खर्चा बढ़ रहा है उसको कम कीजिए, अपने आप सब कुछ नीचे आ जाएगा। आप अपनी कमाई के चक्कर में, अपना टैक्स कमाने के चक्कर में, अपने लोगों को खून चूसने के चक्कर में लोगों को महंगाई के अंदर धकेल रहे हैं, इससे बाहर लेके आइए आप। वो जब ही होगा जब तमाम गवर्नमेंट से, चाहे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये पैसे को कम करें, वैट नीचे लेके आए और टैक्स नीचे लेके आए, वरना कुछ नहीं होगा। जिस तरीके गरीब आदमी का शोषण हो रहा होता रहेगा, खून चूसा जाता रहेगा। शुक्रिया बहुत बहुत आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे दोस्तों हमारे दिल्ली के एक आम नागरिक जिन्होंने अपनी परेशानी बताई। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वो पूरी तरह नियंत्रण इनके हाथ में है। ये मैं ये पूछना चाहता हूँ दिल्ली गवर्नमेंट से, क्या नाम है, ये तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं या मोटरसाइकिलें चलवा रहे हैं, टू व्हीलर चलवा रहे हैं, है गवर्नमेंट की चोरी भी कर रहे हैं, टैक्स गवर्नमेंट का खा रहे हैं, इनकी क्यों नहीं धरपकड़ करती है? तो दोस्तों राजेंद्र सोनी जी का कहना ये भी है, एक तो ड्राइवर, जो ऑटो ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर भाई हैं, वो सीएनजी की महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान है, दूसरा केजरीवाल की गलत नीतियों के कारण जो कि वो झूठे वादे कर देती उससे परेशान है, तीसरी सबसे बड़ी उनकी सिरदर्दी बन गई है ये रैपिडो इन ड्राइवर की जो बाइकें चलती है दोस्तों दिल्ली के अंदर इतनी तमाम, बिना लाइसेंस के, बिना परमिट के, ये जो बिना इलीगल तरीके से जो बाइक टैक्सी चल रही है इन पे भी दिल्ली सरकार लगाम लगाने पे बिल्कुल नाकामयाब रही है। और मैं एक और बाबा, आज क्या नाम है, इनका काम धंधा खत्म कर दिया इस सरकार ने, 5.5 लाख ई रिक्शा चल रहे हैं दुनिया भर के दौड़ा दिए हैं और बाइकें चला दी, आज इनका काम छीन लिया, दुनिया भर की डक्के मारी गाड़ियां चला दी, प्राइवेट गाड़ियां है, क्यों नहीं धरपकड़ करते ये? फिर भी कहता है केजरीवाल मैंने बहुत काम करा, हमारी ट्रेड को तो बर्बाद कर दिया इसने। मैं खुले आम कह रहा हूँ, स्टेट का सत्यानाश करने में आप दिल्ली गवर्नमेंट का हाथ है। तो दोस्तों आपने सुना यहाँ पे तमाम ऑटो ड्राइवर भाइयों को सुना, दिल्ली के आम नागरिकों को भी सुना, राजेंद्र सोनी को जी को भी सुना और जितेंद्र उपाध्याय जी को भी सुना। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी दिल्ली सरकार से खुश नहीं है, जहाँ तक के केंद्र सरकार की बात है वो भी अपने लेवल पे जो सीएनजी है, पेट्रोलियम पदार्थ है, जो उनके रेट बढ़ाती जा रही है, उनको भी कुछ ध्यान रखना चाहिए कि दिल्ली में आम नागरिक और दिल्ली की जो ड्राइवर है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो दोस्तों आने वाली 28 तारीख को भारतीय मजदूर संघ के राजेंद्र सोनी जी के साथ में सोवरन सिंह राजपूत जी रहेंगे, राजवीर शर्मा जी रहेंगे, किशन वर्मा जी रहेंगे, राम शरण जी रहेंगे, चुन्नीलाल जी रहेंगे। तो दोस्तों और भी यूनियन है जो राजेंद्र सोनी जी के साथ में, भारतीय मजदूर संघ के साथ में मिलकर इस धरना प्रदर्शन को कामयाब करने की कोशिश करेंगी। तो और भी यूनियन है जिनके नाम मैंने यहाँ पे नहीं लिखे, लेकिन और भी यूनियन है जो राजेंद्र सोनी जी का, भारतीय मजदूर संघ का साथ देंगे। भारतीय मजदूर संघ की जो भी यूनियन है वो सभी मिलकर दिल्ली के अंदर महाधरना प्रदर्शन करेंगी। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं, तो आप राजेंद्र सोनी जी को सपोर्ट करें। तो इसी के साथ में दोस्तों आपसे चाहता हूँ मैं, जय हिंद जय भारत।